हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम बात करने वाले हैं कैनेडियन सिटीजनशिप के बेनिफिट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कैनेडियन सिटीजनशिप के बारे में। तो अगर आपका 5 साल के अंदर 730 दिन आपने कनाडा में रहे हैं, तो आप कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी लीगल जो भी स्टेटस है वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती और आप ऑफिशियली वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल। ट्रैवल के अंदर कैनेडा में सबसे अच्छा पॉइंट्स वही है कि आपके पास अगर कैनेडियन सिटीजनशिप होती है तो आप को सिर्फ एक ही काम करना है, पासपोर्ट लिया, टिकट बुक करी और दुनिया के कोई भी कोने में आप घूमने चले जाते हो। हाँ, स्पेशली यूरोप जो भी कंट्रीज़ है यूरोप की, उसमें और यूएसए, वैसे तो आप यूएसए तो बाई कार भी ऐसे भी चले जा सकते हो। तो इसके लिए तो आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा वाले यूएस तो ईजिली मूव हो जाते हैं और घूमने के लिए वगैरह। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जहाँ पर छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा या फिर और काफ़ी सारी बड़ी फॉर्मेलिटीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो जिसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है उसके लिए तो हमेशा विन विन कंडीशन हो जाती, ताकि वो पासपोर्ट लिया, टिकट लिया और चल पड़े घूमने के लिए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है चिल्ड्रंस के लिए। अगर कोई भी बच्चा कैनेडा के अंदर बॉर्न होता है तो उसको डायरेक्टली कैनेडियन गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप दे देती है, भले उसके पेरेंट्स कोई और कंट्री के होते, लेकिन उसको इजीली सिटीजनशिप मिल जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा ऐसे ही फॉरेनर की तरह पैदा हो गया, सो इसी तरह होता है। और उसके बाद उससे एक और पॉइंट है जो कैनेडा के लिए बहुत अच्छा है और सभी के लिए, कैनेडियन जो लोकलाइज है उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर कैनेडियन कपल है और जो कैनेडियन सिटीजनशिप है उनका बच्चा अगर और कोई कंट्री के अंदर पैदा होता है या फिर उसका बॉर्न होता है, तो फिर वो लोग भी अपने बच्चे के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते। तो ये सबसे अच्छा इन लोगों का लॉ है, तो ये उनके लिए और जो भी सिटीजन्स लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं जॉब के बारे में। अगर कैनेडा के अंदर आप सिटीजनशिप आपके पास है, तो अगर आपको जॉब के अंदर काफ़ी सारे रास्ते ओपन हो जाते। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्मी। अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप आर्मी के अंदर डायरेक्टली इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको आर्मी के अंदर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट। आपको काफ़ी गवर्नमेंट की जो भी सेगमेंट्स होती है, जॉब्स होती है, उसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना है तो आप इजीली इलेक्शन में के अंदर भी खड़े होकर आपकी जो भी पार्टी है वगैरह कुछ बना सकते हो, तो वो भी आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आपको नासा जैसे कोई भी स्पेस के अंदर अप्लाई करना है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी जॉब्स वगैरह आती है वो आपके लिए हर एक के गेट ओपन हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट हो जाता है। बट हाँ, सिटीजनशिप होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में हमारे पास ऐसा है कि कैनेडा सिटीजनशिप वाले बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप दो कंट्री की सिटीजनशिप के साथ रह सकते हो। तो कैनेडा के अंदर अगर आप सिटीजन हो गए हो तो और कोई कंट्री की सिटीजनशिप के साथ आप इजीली रह सकते हो। फॉर एग्जांपल कि कोई एक बंदा है वो कैनेडियन सिटीजनशिप है और उसकी बीवी है वो यूके की या फिर जर्मनी की सिटीजनशिप है, तो फिर वो दोनों की सिटीजनशिप के साथ ईजिली रह सकता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कैनेडियन सिटीजन के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। और कोई आपको डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हूँ मयूरी। जय हिंद।